सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज हम आपको लिए चल रहे हैं टारगेट ओलंपिक रेसलिंग एकेडमी, जो कि गांव सोरम में बसा हुआ है, जिला मुजफ्फरनगर और राज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यहां पर देश के कोने कोने से यहां पर अपने बच्चे लोग भेजते हैं और यहां पर वो पहलवानी सीखते हैं और रेसलिंग करते हैं। दोस्तों ये प्रथा पहले हरियाणा में ज़्यादा प्रचलित है और अब यहाँ पर भी ये कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। हमारे देश में एक से एक प्रतिभा है। विश्राम, सावधान, काउंटिंग। दोस्तों यहाँ पर ये काउंटिंग की जाती है और उसके पश्चात ये रनिंग बच्चों से कराया जाता है। जूनियर बच्चे हैं और यहाँ पर ये जिम वगैरह की भी पूरी फैसिलिटीज है, पूरी सुविधा है। टारगेट ओलंपिक रेसलिंग एकेडमी जो कि सोरम गांव में स्थित है। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जिमनेजियम और शुरुआत में यहाँ पर सभी बच्चों को पहले वार्म अप किया जाता है। वार्म अप कराने के पश्चात उनको फिर आगे की प्रैक्टिस कराई जाती है। ये सभी बच्चे यहाँ पर वार्म अप कर रहे हैं और वार्म अप के पश्चात अपनी बॉडी को एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज करके तैयार करते हैं ताकि आपकी मसल्स जो है पावरफुल बने। जब मसल्स पावरफुल बनेगी तो ही आप कुश्ती लड़ सकते हैं, जिसे इंग्लिश में रेसलिंग कहा जाता है। और आज की डेट में तो बहुत ही चर्चित हैं ये सारी चीज़ें। ये देखते रहिए आप। दोस्तों इस संस्था की शुरुआत हुए 2 साल हो चुके हैं और ये जो कोच हैं हम दिखा रहे हैं, ये निर्दोष बालियान हैं। ये यहाँ पर लोगों को बड़े बड़े पहलवान तैयार करते हैं। ये देखिए ये पटक रहे हैं, ये निर्दोष बालियान हैं। इन्होंने ही इस संस्था की शुरुआत की। बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद में दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं। ये देखिए इंटरनेशनल लेवल का जो ये कुश्ती का जो ये है नेट, ये सब लगा हुआ है यहाँ पर ताकि आप गिरे और आपके बदन में चोट ना लगे। और इस तरीके से यहाँ पर पूरी ये सब जूनियर्स बच्चे हैं और हर तरह की बैरिक्स में यहाँ पर बच्चों को रखा गया है। पहले वेट वाइज रखा गया है, जो छोटे बच्चे हैं 17 साल के हैं, 17 साल से छोटे हैं जूनियर बच्चे, उनके लिए अलग बैरिक है, सोने का स्थान अलग है। उसके बाद में आते हैं 60 से 70 साल के जो बच्चे हैं वेट वाइज, उनको अलग कैटेगरी में रखा गया है। और 70 से 80 और 100 के बीच के जो पहलवान हैं उनको अलग अलग बैरिक में रखा जाता है और उनका ध्यान रखा जाता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा है, वो बैरिक्स भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। ये यहाँ पर सारे जिम के इक्विपमेंट्स हैं और ये करने के बाद यहाँ पर एथलेटिक्स की भी फैसिलिटी है। बहुत कम अखाड़े होते हैं जिसमें एथलेटिक्स दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एथलेटिक्स भी सिखाई जाती है साथ में, क्योंकि शरीर जब बलशाली होता है लचीलापन भी होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जब लचीलापन होगा तो आप एक से एक दाव पैच लगाकर अपने देश को गोल्ड मेडल जिता सकते हैं, अपने देश के लिए एक से एक कार्य कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये बच्चे जिमनास्टिक कर रहे हैं, नई नई अलग अलग उस मुद्राओं में ये जिमनास्टिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखते रहिए आप लोग।
यहाँ का वातावरण तो बहुत ही अद्भुत है, क्योंकि बिल्कुल यहाँ जो यहाँ की आबो हवा है, यहाँ आपको प्योर ऑक्सीजन मिलती है। कहते हैं स्वस्थ शरीर बनाने के लिए स्वस्थ जगह होना बहुत ज़रूरी है, अच्छी खुली जगह। और ये यहाँ पर ये विश्राम करते हैं जितने भी पहलवान हैं यहाँ पर, उनको और ये इनके लॉकर्स भी दिए गए हैं यहाँ पर। ये जूनियर्स के जो पहलवान बच्चे हैं, देखिए छोटे बच्चे भी हैं और बड़े बच्चे भी हैं, और ये यहाँ पर इनका रहने का, और ये शील्ड है इन लोगों ने जीती है, ये सीनियर कैटेगरी के पहलवान हैं। और ये हम दिखा रहे हैं यहाँ पर जो इन्होंने मेडल्स और जो शील्ड जीते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश का नाम रोशन करने के लिए। बड़े जंगी बच्चे हैं और बड़े बहादुर बच्चे हैं, और बड़े बड़े पहलवान यहाँ से निकलकर हमारे देश का नाम रोशन करेंगे, ऐसी मेरी कामना है। और ये सारी टीमों को दिखा रहे हैं किस तरह से, ये देखिए अपने शरीर को बलिष्ठ बनाते हैं। और ये यहाँ पर क्योंकि इतना अच्छा शरीर बनाना बड़ी मेहनत के बाद बड़ी मशक्क़त लगती है। और दोस्तों अब हम आपको यहाँ के जो रेसलिंग कोच हैं उनका इंटरव्यू दिखाते हैं। पहले अपने जिले के बारे में बताना चाहूँगा, यहाँ पे पहले जो रेसलिंग के खिलाड़ी बनते थे कदोकद दिल्ली हरियाणा में जाकर बनते थे, लेकिन पिछले 2010 से ये अकेडमी चल रही कुश्ती अकेडमी, और शुरुआत बहुत छोटी सी हुई, एक बहुत छोटा सेंटर था राष्ट्रीय इंटरकॉलेज में, तो वहाँ से स्टार्टिंग हुई इसकी। बहुत कम संसाधन थे, उसके बावजूद शुरुआत में छोटे छोटे बच्चे पकड़ के उनको रेसलिंग सिखाना शुरू किए, धीरे धीरे परफॉर्मेंस आने लगी। 2 या 3 साल बाद राष्ट्रीय स्तरीय खिलाड़ी निकलने शुरू हुए, फिर 2013 के बाद वो दंगा हो गया, दंगे के बाद वहाँ से सेंटर हट गया, फिर उसके बाद मंसूरपुर NH58 में चला गया, उस वहाँ पर 3 साल तक 2013-14 से 2017 तक वहाँ पर सेंटर चला। फिर पिछले साल यहाँ पर ये हमारा गाँव है सोरम, यहाँ पर सेंटर खुल गया है, इसका नाम है टारगेट ओलंपिक रेसलिंग अकेडमी। और पिछले साल एक बच्चा यहाँ से वर्ल्ड क्लास का खिलाड़ी बना, क्रोएशिया में U17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई था, उसका सिल्वर मेडलिस्ट है वो बच्चा। पिछले साल 12 नेशनल मेडल आए, राष्ट्रीय स्तर पर 12 मेडल है सेंटर के, सब जूनियर में 2 है और जूनियर में 2 है, U23 में एक बच्चा इंटरनेशनल हुआ। बच्चों के नाम बताएंगे जी? सबसे अच्छा बच्चा तो यहाँ पर गौरव बालियान है, U17 वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडलिस्ट है, जूनियर नेशनल का गोल्ड मेडलिस्ट है, U23 का इस बार एशिया में पार्टिसिपेट है। अब जो कल ट्रायल होगी 74 के ओलंपिक के लिए, उसमें भी उसका नाम है, सुशील पहलवान जी के साथ, जितेंद्र अमित धनगढ़ के साथ उसकी ट्रायल होगी। और उसके बाद जूनियर में एक लड़का है राठी यहीं का, उसका भी मेडल है। उसके बाद सब जूनियर में इस साल मेडल है, शुभम कुमार एक लड़का है उसका मेडल है, रिजवान एक लड़का है उसका मेडल है, और एक सचिन है उसका मेडल है। U15 में एक उमंग नाम का लड़का है उसका नेशनल मेडल है, स्कूल नेशनल में कई मेडल है, तो इस बार इस साल नेशनल में 12 से 13 मेडल है। और धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है सेंटर, और यहाँ पे 70-80 बच्चे हैं U10 के, उसके ऊपर U20 मतलब 13 साल के बीच के, 18 साल के बच्चे हैं यहाँ पे। और मैं मानता हूँ ये बच्चे, कुछ बच्चे तो ऐसे जो इंडिया लेवल में 2-5 में हैं, इनकी प्रैक्टिस कर रही है। जिमनास्टिक इंडिया में कोई नहीं कराता रेसलिंग के, लेकिन मैं यहाँ पे जिमनास्टिक भी कराता हूँ। रशिया और अमेरिका अकेडमी में 2 तरह के मैच चलते हैं, एक बड़े बच्चों का जो 4,000 रुपये महीना लेते हैं, उनको दोपहर का और शाम का भोजन देते हैं, उसके बाद जो भी वो चीज़ें लेंगे दूध फ्रूट जूस वो अपने पैसे से खरीदते हैं, कैंटीन है यहीं पे। और उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं वो अपना दूध गर्म नहीं कर पाते, नाश्ता नहीं बना पाते, तो उनके लिए लगभग 10,000 रुपये महीना, उसमें उनका दूध जूस फ्रूट वो सब कुछ है, स्कूल फीस वो सब सुविधाएं हैं, स्कूल में जाने की आने की सुविधा है, जो U15 के बच्चे हैं उनके लिए ये सभी सुविधाएं हैं, रहने के लिए हॉस्टल है, उसमें कोच की फीस सब कुछ उसी में ही है, 10,000 रुपये मंथली एक बच्चे का चार्ज है जो 10 से 15 साल के बीच का है। उसके बाद सिर्फ 4,000 रुपये मैथ्स के दोनों टाइम में खाना लेते हैं, उसके बाद जो बच्चा डाइट खाए पैसा दो खाना खाओ, जो भी चीज़ चाहिए वो मंगा लो अपनी, वो उसी में अलग है, 2 तरह के मैथ्स। 10,000 रुपये मंथली में जैसे बच्चे का दोपहर का और शाम का भोजन है, सुबह का नाश्ता है, दूध है फ्रूट है, और स्कूल का जो खर्च है वो सब कुछ 10,000 रुपये लगभग महीने का है। रेसलिंग का हमारे ज़िले में मुझे अपने में बहुत अभाव था,
2010 में 2008 में मेरे को चोट लगी, इंडिया कैंप में वापस आ गया। तो मैं यहाँ क्षेत्र में देखा तो यहाँ प्रतिभाएं बहुत थी लेकिन संसाधनों के बड़े अभाव थे। 2010 में सेंटर खोल लिया, उसके बाद मैं ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में मेडलिस्ट हूँ, अंडर 17 में मेडलिस्ट हूँ, इंडिया कैंप किया है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखा कि कोई संसाधन नहीं थे, सेंटर खोलने शुरू किए, यहाँ तक खोल लिए। यहाँ पे सुविधाएं मैट की बहुत कम थी, डाइट की बड़ी समस्या है। मेरा नाम निर्दोष बालियान है और मैं ये एक छोटी सी संस्था इसको चला रहे हैं। एक प्रतिभा अभी धीरे धीरे आनी शुरू हो गई है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ी तैयार हो गए हैं। संस्था का नाम, जैसा हमारा सभी का सपना होता है ओलंपिक्स, दुनिया का सबसे बड़ा खेल महाकुंभ होता है ओलंपिक, संस्था का नाम भी उसी पे है। टारगेट ओलंपिक रेसलिंग अकेडमी रखा हुआ है, ये गांव सोरम में है, जिला मुजफ्फरनगर में, यूपी उत्तर प्रदेश में।